13 फीट 0 इंच एंड 30 फीट 0 इंच। तो एक्चुअली 13 × 30 इज इक्वल टू 390 स्क्वायर फीट स्मॉल हाउस डिज़ाइन। तो प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर हम ऐसे डोर ड्राइंग के अंदर ऐसे हम ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्लॉप्सिबल गेट या ये जो नॉर्मल ऐसे गेट है आप ऐसे वुडन डोर भी यहाँ पर यानी गेट यहाँ पर आप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर एंट्री और इधर से हम ऐसे आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर कलर ऐड करेंगे जो है यहाँ पर 5 इंच वॉल। ऐसे हम इसके अंदर विंडो आउटसाइड वॉल 5 इंच विंडो ऐड करेंगे। तो हम 5 इंच का वॉल यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके पास स्मॉल जगह है। तो ज़्यादा जगह मिलेगा आपको तो आप यहाँ पर आउटसाइड में 9 या 10 इंच का वॉल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हम वॉल क्रिएट करेंगे। उसके बाद पीछे से हम एक विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर हमारा पास ऑप्शन मिला तो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे उसके बाद ऐसे यहाँ पर हम ऐड करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम ऐसे क्रिएट करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पर एक वॉल ऐसे क्रिएट करेंगे। तो इसको कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ पर देखिए, उसके बाद हम इसको जो विंडो है यहाँ पर हम यहाँ पर ऐड करेंगे ऐसा, यहाँ पर W, यहाँ पर चार्जर यहाँ पर हम ऐड करेंगे। अगर आपको विंडो नहीं चाहिए तो आप बंद करके घर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो सकता है आपको किसी की साइट पर विंडो का ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप उसी जगह को बंद करके ड्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे हम विंडो ऐड करेंगे यहाँ पर ऐसे W, उसके बाद ऐसे यहाँ पर W, वेंटिलेटर, उसके बाद यहाँ पर भी विंडो। इतना कुछ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम डोर D1, इसका मतलब इसका शेड्यूल चेंज कर दिया हमने, ठीक है, यही है। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इधर से। इसके पहले हम एक काम करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर देखिए इसका कॉलम 1, 2, 3, 4 ओके 5, 6 और उसके बाद 7, 8, 9, 10 नंबर्स यहाँ पर हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम इसके अंदर देखिए जो ऐड करेंगे यहाँ पर बेडरूम ओके। तो इसका मेजरमेंट कितना रहेगा बेडरूम का, देखिए इधर ट्वेल्व फीट 2 इंच एंड इधर 10 फीट 0 इंच। नेक्स्ट यहाँ पर टॉयलेट प्लस बाथ इधर 5 फीट 3 इंच वाइड एक ओपन स्पेस, यहाँ पर 6 फीट
सिक्स इंच एंड इधर 4 फीट एंड इधर आपको मिलेगा डाइनिंग प्लस ड्राइंग ओपन किचन डाइनिंग ड्राइंग टोटल जो लेंथ यहाँ पर 12 फीट 2 इंच, इधर डिस्टेंस 7 फीट 3 इंच। यहाँ पर किचन 5 फीट 9 इंच एंड इधर डिस्टेंस 6 फीट 8 इंच। यहाँ पर 3 फीट वाइड एंड 6 फीट लेंथ। यहाँ पर लॉबी कम लैंडिंग, नीचे में लॉबी, यहाँ पर लैंडिंग, यहाँ पर स्टेयर एरिया इधर से आएगा 7 फीट 6 इंच। इसके नीचे से हम जाएंगे घर के अंदर, ठीक है। तो 390 स्क्वायर फीट का जो हाउस डिज़ाइन है, इसका जो यहाँ पर आउटसाइड वॉल यहाँ पर 5 इंच यानी 125 mm, कॉलम साइज़ यहाँ पर 10x10, आप इसको चेंज भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और इसका जो इंटरनल वॉल यहाँ पर 5 इंच वॉल, ओके। तो इसमें टोटल कॉस्टिंग क्या आएगा, तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो यहाँ पर आपको 5 to 6 लाख रुपीज़ आपको खर्चा आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आपको रिक्वायरमेंट है, इसमें देखिए यहाँ पर, तो हम यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसका 1 जो है ब्रिक, ओके, 2 इसका सीमेंट, 3 इसका रेनफोर्समेंट, 4 इसका सैंड, 5 इसका जो कोर्स एग्रीगेट, इसका मतलब गिट्टी सैंड इसके साथ, और इसके साथ 6 में लेबर चार्ज। तो इतना जो इसका जो रिक्वायरमेंट है, इसके अंदर से इसको टोटल मिला के आपको 5 to 6 लाख रुपीस खर्चा आएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। आपको प्लानिंग डिज़ाइन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर देना।